हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो स्टार्ट करते हैं अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स। तो भारतीय संविधान के गठन के समय कुल अनुसूचियों की संख्या थी भारतीय संविधान में 8 और वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है 12, जो कि इस प्रकार से है। प्रथम अनुसूची है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के 28 राज्य प्लस 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व उनकी संख्या का वर्णन किया गया है अनुसूची एक में। और भारतीय संविधान का जो भाग एक अनुच्छेद एक और अनुसूची एक है वह संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। फिर आगे अनुसूची दो। अनुसूची दो में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन किया गया। इसमें प्रमुख पदाधिकारी हैं जो एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल हो गए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए और आप सीएजी हो गया और लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष और राज्यों की विधान मंडल के जो विधान परिषद के सभापति होते हैं उनके जो वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन किया गया है वह अनुसूची दो में किया गया है। फिर आगे अनुसूची तीन। अनुसूची तीन में जो पदाधिकारियों को शपथ का उल्लेख किया गया है अनुसूची तीन में, इसमें मुख्य रूप से अनुसूची तीन के तहत प्रत्येक पदाधिकारी को दो प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। एक तो उनके पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ। और जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं उन्हें यह दोनों प्रकार की शपथ लेना अनिवार्य होता है। और अनुसूची तीन में जो एक राष्ट्रपति और राज्यपाल उनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। अनुसूची तीन में शपथ का उल्लेख नहीं है यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुसूची तीन में। यह अपने अनुच्छेदों से संबंधित राष्ट्रपति और राज्यपाल शपथ लेते हैं। आगे अनुसूची चार, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसमें भारतीय राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा की सीटें आवंटित की गई है परिसीमन आयोग 1952 के तहत। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटें आवंटित की गई है यानी कि प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे। फिर आगे पांचवी अनुसूची, अनुसूचित जाति व जनजाति के बारे में। अनुसूची पांच में अनुसूचित जाति व जनजाति के जो प्रशासन और नियंत्रण है उसके बारे में लिखा गया है अनुसूची पांच में। और अनुसूची जो पांच है इसमें उन राज्यों की अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिखा गया है जहां पर पंचायती राज विस्तार अधिनियम 1956 लागू है। पंचायती राज विस्तार अधिनियम 1956 लागू है। फिर आगे अनुसूची छह, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जनजाति का प्रशासन। अनुसूची छह में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जनजाति का प्रशासन के बारे में लिखा गया है जहां पे पंचायती राज विस्तार अधिनियम 1956 लागू नहीं है। फिर आगे है अनुसूची सात, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची सात को मुख्य रूप से तीन सूचियों में बांटा गया है। एक तो है संघ सूची और दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है और राज्य सूची में वर्तमान 61 विषय हैं जिस और राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर अधिकार बनाने का कानून बनाने का अधिकार
राज्य सरकार के पास होता है। और संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। आठवीं अनुसूची है भाषाएं। अनुसूची 8 के जब भारतीय संविधान की अनुसूचियां गठित की गई, मूल संविधान में अनुसूची 8 में कुल भाषाओं की संख्या कितनी थी? इनके गठन के समय 14 भाषाएं थी अनुसूची 8 में। और वर्तमान में अनुसूची में 8 में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। अनुसूची 9 है भूमि आवंटन। अनुसूची 9 को भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था और इसमें कुल 284 अधिनियम है अनुसूची 9 में। और यह एकमात्र संविधान संशोधन है जो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किया गया था, प्रथम संविधान संशोधन 1951। फिर आगे अनुसूची 10 दल बदल। अनुसूची 10 को भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और आगे है अनुसूची 11 पंचायती राज की शक्तियों का उल्लेख। अनुसूची जो 11 है इसे भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था अनुसूची 11 को। और पंचायती राज की शक्तियों का उल्लेख है इसमें कुल अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं। फिर आगे 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख। इसे भारतीय संविधान की अनुसूचियों में 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। और अनुसूची 12 में वर्तमान में 18 विषय हैं। ये भारतीय संविधान की अनुसूचियां। धन्यवाद।